अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आज मैंने आपके लिए एक केस जो मैंने देखा था अपने हॉस्पिटल में, तो वो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है। और इसमें जो है ना, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा केस है। तो डॉक्टर ज़ेबा ऑन कॉल, केस नंबर 4, ठीक है? इस सीरीज से जो मैंने शुरू किया था उसका पार्ट है ये, ठीक है? तो इसमें देख लेते हैं कि हिस्ट्री क्या थी। लास्ट मतलब 2 हफ्ते पहले ये पेशेंट मेरे पास इमरजेंसी के थ्रू एडमिट हुई थी। तो 38 ईयर ओल्ड वुमेन प्रेजेंटेड इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ सीवियर वीकनेस इन होल बॉडी दैट शी बिकेम अनेबल टू गेट अप फ्रॉम बेड एंड वॉक। शी हैड नॉजिया एंड वॉमिटिंग एंड दिस होल एपिसोड स्टार्टेड सिंस 4 डेज। शी गिव्स हिस्ट्री ऑफ सच एपिसोड इन द पास्ट ऑल्सो। देर वॉज नो हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज़ और एस्थमा। On examination, her blood pressure was 120 by 70 millimeter of mercury, pulse was 70 per minute, temperature was normal 98.6 degree Fahrenheit, respiratory rate was 20 breaths per minute, she was dehydrated, her chest was clear, abdomen was soft and non-tender. CVS examination was unremarkable. On examination of central nervous system, she was oriented but had a very feeble, croaky voice to talk. There was flaccid paralysis of all 4 limbs with 1 by 5. Power in all 4 limbs, right? Laboratory data revealed her hemoglobin 10.2 gram per deciliter, TLC of 6,800 per millimeter cube, platelets 2,69,000, sodium was 136 milliequivalent per liter, potassium was 1.5 milliequivalent per liter, chloride 112 milliequivalent per liter, and bicarbonate was 12 milliequivalent per liter. Urea was 20 milligram per deciliter, creatinine was 1 milligram per deciliter, her LFTs were normal, urine DR showed pH 7.0 and no other abnormality. FT4 2.98 picogram per ml and TSH was 89.1. Her ECG showed low voltage with bradycardia. अच्छा, एक दफ़ा आप फिर देख लीजिए इसकी जो हिस्ट्री है ना। 38 ईयर ओल्ड की ये वुमेन है और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई थी। वीकनेस हो गई है उसकी होल बॉडी में, और मतलब ना बिस्तर से उठा जा रहा है ना चला जा रहा है, और नौजिया वॉमिटिंग है, और ये 4 दिन से उसको हो रहा था। और इसने हिस्ट्री दी है कि इस तरह उससे ना पहले भी हो चुका है सच एपिसोड, ठीक है? देर वॉज नो हिस्ट्री, कोई हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, एस्थमा वगैरह उसको कुछ भी नहीं था। एग्जामिनेशन में ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब वाइटल साइंस नॉर्मल हैं उसके, और डिहाइड्रेटेड थी लेकिन वो चेस्ट क्लियर था। एब्डोमेन में भी कुछ कोई ऐसी रिमार्केबल फाइंडिंग नहीं है। CVS में भी कोई रिमार्केबल फाइंडिंग नहीं थी। CNS में जो है ना ओरिएंटेड थी, फीबल क्रोकी वॉइस थी उसकी, बहुत मुश्किल से वो बोल रही थी, और फ्लैसिड पैरालिसिस हुआ था, 1/5 पावर था जब मैंने इसको देखा था इमरजेंसी में, ठीक है? अच्छा, हीमोग्लोबिन देखें उसकी कम है, TLC उसका नॉर्मल है, प्लेटलेट्स भी नॉर्मल है, सोडियम भी ठीक है, पोटेशियम उसका देखें आप कितना कम है, 1.5, इतना तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। क्लोराइड देखें आप उसका 112 है, बाइकार्बोनेट उसका 12 है, और यूरिया नॉर्मल है, क्रिएटिनिन नॉर्मल है, LFT नॉर्मल है, यूरिन DR आप देखिए उसमें pH 7 है और 7.0, और दूसरी जो एबनॉर्मल फाइंडिंग है उसका TSH बहुत बड़ा हुआ है, और ECG जो था लो वोल्टेज विद ब्रेडिकार्डिया दिखा रहा था, ठीक है? अच्छा, अब जो है मैंने आपके लिए सवाल बनाया। अच्छा, ABGs मैं इसके ना मैं पिक्चर ले लेती हूँ, तो ABG की मैंने ली नहीं थी, बहरहाल वो मुझसे मिस हो गई है। तो anyway, अभी जो मैंने ये क्वेश्चन बनाया ना आपका, वो है व्हाट टाइप ऑफ एसिड बेस्ड डिसऑर्डर इज शोन इन दिस सिनेरियो। अब इसमें जो है ना 2-3 चीज़ें हैं, यानी कि सिर्फ एक डायग्नोसिस नहीं है इसकी, तो हम बारी बारी कर लेंगे उसको, ठीक है? तो व्हाट टाइप ऑफ एसिड बेस्ड डिसऑर्डर इज शोन इन दिस सिनेरियो, ठीक है? मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, बी है रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, सी है इंक्रीज्ड एनायन गैप हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और डी है नॉर्मल एनायन गैप हाइपोकैलेमिक हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो क्या है ये? अब इसमें जो है ना पीछे आप देख लीजिए, इसकी जो एबनॉर्मल फाइंडिंग्स है ना, एक तो इसका पोटेशियम बहुत कम है, दूसरे आप देखें कि इसकी मतलब रीनल फंक्शन इसके सही है, लेकिन यूरिन DR में आप pH देखें उसकी, अल्कलाइन pH है,
और इसका TSH बढ़ा हुआ है, वो उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। सही है, तो कौन सा हुआ इसको? अब यहाँ पे आपने अगर देखा कि इसका इलेक्ट्रोलाइट्स में देखिए 1.5 पोटेशियम है, क्लोराइड इसका कितना बढ़ा हुआ है 112 है, और बाइकार्बोनेट इसका कम हुआ हुआ है 12। ठीक है, तो इसकी क्या डायग्नोसिस बनेगी? डायग्नोसिस बनाने के लिए जो है ना स्टेप वाइज अप्रोच आपको करनी चाहिए। तो ब्लड फॉर इलेक्ट्रोलाइट आप और आर्टीरियल ब्लड गैसेस शुड बी ड्रॉन साइमल्टेनियसली प्रायर टू द थेरेपी। तो इसकी मैं ABGs बिल्कुल भूल गई मैं करानी। बहरहाल मैं आपको ना सिर्फ इसी में बता देती हूँ, एन इंक्रीज इन बाइकार्बोनेट आयन, यानी कि इसमें तो डिक्रीज हुए हैं, इंक्रीज इन बाइकार्बोनेट आयन विद आइदर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। कन्वर्सली अ डिक्रीज इन बाइकार्बोनेट आयन अकर्स विद ईदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। इन डिटर्मिनिंग द आर्टीरियल ब्लड गैसेज बोथ pH एंड PaCO2 आर मेजर्ड। ठीक है, तो आपने इलेक्ट्रोलाइट भी कराने होते हैं और आपने वो भी करानी होती है, जो जो मुझसे मतलब मैंने उसकी तस्वीर नहीं खींची तो मैं आपको नहीं बता रही हूँ, तो सिर्फ हम इलेक्ट्रोलाइट से ही डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसको इसकी जो इसके ऑप्शंस दिए हुए ना, मैंने जो बनाए हैं ऑप्शंस वो इसलिए मैंने बनाया है कि आप पहले एनायन गैप आपको, क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस आ रहा है ना इसको, इसके बाइकार्बोनेट कम आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको जो है डायग्नोज करने के लिए आपको एनायन गैप निकालना होगा कि हाई एनायन गैप है या नॉर्मल एनायन गैप है। तो एनायन गैप कैसे निकाला जाता है? एनायन गैप इज इक्वल टू सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट। अब वेयर पेशेंट्स सोडियम इज़ 136, अभी मैंने आपको बताया पीछे 136 मिली इक्वेलेंट पर लीटर, क्लोराइड इज़ 112 मिली इक्वेलेंट पर लीटर, बाइकार्बोनेट इज़ 12 मिली इक्वेलेंट पर लीटर। तो एनायन गैप आप इस तरह से निकालेंगे कि पहले आपने बाइकार्बोनेट और क्लोराइड को आप जमा कर दें, तो हमारा हो जाएगा 12 प्लस 112। ठीक है, और उसमें से माइनस 136 आपने कर देना जो सोडियम था, तो हमारा जवाब आ जाएगा यानी कि 136 माइनस 124, तो 12 आ जाएगा। 12 इज़ नॉर्मल एनायन गैप। तो इसको जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है ना, वो नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन फिर हो गया डी, नॉर्मल एनायन गैप हाइपोकैलेमिक हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। यानी इसको हाइपोकैलीमिया भी हुआ हुआ है, हाइपरक्लोरीमिया भी हुआ हुआ है, और नॉर्मल एनायन गैप हमने अभी निकाल लिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ हुआ है। एज इट कैलकुलेटेड एनायन गैप ऑफ दिस पेशेंट इज 12 मिलीमोल पर लीटर, सो डायग्नोसिस इज नॉर्मल एनायन गैप हाइपोकैलेमिक हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, और pH ज़ाहिर के pH जो है उसकी कम थी, तो वो जो मैं उसमें मिस हो गई, मैंने उसमें इस पेशेंट का मैंने देखा, उसको तस्वीर लेना मैं भूल गई हूँ उसकी ABGs की। ठीक है, 7.3 वगैरह होगा। तो अब इसकी क्या कॉज हो सकती है? अब इसमें ना आप ये भी देखें कि इसका वो भी बढ़ा हुआ है, TSH बढ़ा हुआ है ना, तो हाइपोथायरॉयडिज्म, जो उसकी फीबल और क्रोकी वॉइस है ना, वो हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि दो चीज़ें इसके चल रही हैं। ठीक है, हाइपोथायरॉयड भी थी और इसको ये भी था। तो अब हमने ये निकाल लिया कि ये जो नॉर्मल एनायन गैप हाइपोकैलेमिक हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है ना, ये प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2 RTA था, है इसको इसको था। ठीक है, इट इज़ मोस्ट ऑफ्टन ड्यू टू जनरलाइज प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर डिस्फंक्शन मैनिफेस्टेड बाय ग्लाइकोसोरिया, जनरलाइज अमाइनो एसिड यूरिया एंड फॉस्फेट यूरिया, जिसको हम कहते हैं फैनकॉनी सिंड्रोम। व्हेन प्लाज्मा बाइकार्बोनेट इज लो, यूरिन pH इज एसिड, pH इज लेस देन 5.5 बट एक्सीड्स 5.5 विद एल्कली थेरेपी। फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट में एक्सीड 10 to 15% वैन द सीरम बाइकार्बोनेट इज़ मोर देन 20 मिलीमोल पर लीटर, बिकॉज द डिफेक्ट इज बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन बाय द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, थेरेपी विद सोडियम बाइकार्बोनेट विल इन्हेंस डिलीवरी ऑफ बाइकार्बोनेट आइंस। तो मतलब ये जो प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर एसिडोसिस है ना, वो तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही है बाइकार्बोनेट आइन की। ठीक है, तो टू द डिस्टिल नेफ्रॉन एंड एनहेंस फीनल पोटेशियम सिक्रीशन, दे आर बाय कॉजिंग हाइपोकैलेमिया
हाइपोकैलीमिया, तो हाइपोकैलीमिया फिर वो करने लगता है, ठीक है, क्योंकि जब डिस्टल नेफ्रॉन से पोटेशियम सिक्रीशन ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर हाइपोकैलीमिया हो जाता है। अब ट्रीटमेंट क्या होता है प्रॉक्सिमल आरटीए का? प्रॉक्सिमल आरटीए इज मोस्ट चैलेंजिंग ऑफ द आरटीए टू ट्रीट इफ द गोल इज टू रिस्टोर द सीरम बाइकार्बोनेट टू नॉर्मल, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओरल एल्कली इंक्रीजेस यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम इन पेशेंट्स विद प्रॉक्सिमल आरटीए टाइप 2। पोटेशियम एडमिनिस्ट्रेशन इज टिपिकली रिक्वायर्ड इन ओरल सोल्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सिट्रेट, सिट्रिक एसिड 334 मिलीग्राम, सोडियम सिट्रेट 500 मिलीग्राम, पोटेशियम सिट्रेट 550 मिलीग्राम पर 5 ml मे बी प्रिस्क्राइब फॉर द पर्पस, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक मैं आपको और सही से बता दूं कि प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर एसिडोसिस जो है ना, उसको आप डायग्नोज वैसे कैसे करेंगे? तो इसके लिए डायग्नोजिंग रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2 आरटीए यानी कि प्रॉक्सिमल आरटीए टिपिकली इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लिनिकल एवेल्युएशन, लेबोरेटरी टेस्ट एंड इमेजिंग स्टडीज। हेयर आर कॉमन स्टेप्स इन्वॉल्व इन डायग्नोजिंग आरटीए 2। तो क्लिनिकल एवेल्युएशन में आपने पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री ले ली, सिम्टम्स असेस कर लिए, उसको डिहाइड्रेशन हुआ हुआ था, वीकनेस हो रही थी, चल नहीं पा रही थी, उसको नॉजिया वॉमिटिंग था। कॉमन सिम्टम्स ऑफ आरटीए इंक्लूड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेसिव थर्स्ट, डिहाइड्रेशन, वीकनेस, फटीग एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो हमें डिहाइड्रेशन मिल रहा है, वीकनेस मिल रही है, फटीग मिल रही है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मिल रहा है, ठीक है, पोटेशियम इसका बहुत कम हुआ हुआ है। फिर दूसरा आप फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में रिवील साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन एंड हाइपोटेंशन, ठीक है। लेबॉरेटरी टेस्ट में आपने इलेक्ट्रोलाइट कराए, तो टिपिकली आरटीए 2 में हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, मीनिंग लो बाइकार्बोनेट एंड हाई क्लोराइड लेवल्स। यूरिनालिसिस में इट रिवील्स एन एबनॉर्मेलिटी सच एज हाई यूरिन पीएच डिस्पाइट सिस्टमिक एसिडोसिस। अब सिस्टमिक एसिडोसिस हो रहा है और पीएच जो है वो हाई यूरिन पीएच है, ठीक है, इंडिकेटिंग इम्पेयर्ड एसिड सिक्रीशन बाय द किडनीज, क्योंकि बाइकार्बोनेट जो है वो उसकी रीअब्सॉर्प्शन ही नहीं हो रही है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से। तो यूरिन इलेक्ट्रोलाइट अगर करवाएं तो मेजरमेंट ऑफ यूरिन इलेक्ट्रोलाइट कैन हेल्प डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरटीए। तो इन आरटीए 2 यूरिनरी पोटेशियम इज टिपिकली एलिवेटेड एज द डिस्टल ट्यूब्यूल फेल्स टू रीअब्सॉर्ब इट इफेक्टिवली। तो इसमें जो है ना वो आपको यूरिन इलेक्ट्रोलाइट से पता चल जाएगा, क्योंकि यूरिनरी पोटेशियम इंक्रीज आ जाएगा उसमें आरटीए 2 में। सीरम एनायन गैप आप कैलकुलेट करेंगे तो इट विल डिटर्मिन द कॉज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस इन आरटीए। सीरम एनायन गैप इज नॉर्मल, ठीक है, जो हमने अभी निकाल के आपको बताया। इमेजिंग स्टडीज मतलब डायरेक्ट इसकी कोई वो नहीं होती कि इमेजिंग स्टडीज जो है वो डायग्नोज करेंगी, लेकिन इसलिए हम कराते हैं रीनल अल्ट्रासाउंड एवेलुएट करने के लिए एनाटमी एंड स्ट्रक्चर ऑफ द किडनीज। वाइल इमेजिंग में नॉट डायरेक्टली डायग्नोज आरटीए 2, इट कैन हेल्प आइडेंटिफाई एनी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज और किडनी स्टोन्स दैट में कंट्रीब्यूट टू अदर कंडीशन। मतलब ये कि जो आरटीए 1 होता है ना, डिस्टिल ट्यूबुलर एसिडोसिस जो होता है टाइप 1, उसमें जो है ना हाइपर कैल्सीयूरिया की वजह से जो है ना वो किडनी स्टोन्स हो रहे होते हैं, तो वो आपको इमेजिंग में नज़र आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एडिशनल टेस्ट जो है, इन सम केसेस एडिशनल टेस्ट सच एज जेनेटिक टेस्टिंग में बी कंडक्टेड टू कंफर्म द डायग्नोसिस और आइडेंटिफाइंग अंडरलाइंग कॉज। तो वो तो जाहिर है यहाँ पे तो हम करा ही नहीं सकते हैं, आप सिर्फ इससे आपको कर लें। तो जेनेटिक ही डिसऑर्डर होता है जिसमें जो है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो है वो बाइकार्बोनेट आयन रीअब्सॉर्ब नहीं कर सकती, तो वो है इस पेशेंट को। और वंस द डायग्नोसिस ऑफ रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस इज कंफर्म, फर्दर एवेल्युएशन मे बी नीडेड टू डिटरमिन द अंडरलाइंग कॉज विच कुड इंक्लूड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, मेडिकेशन और जेनेटिक म्यूटेशन। तो जेनेटिक म्यूटेशन ही होगा, क्योंकि ऑटोइम्यून मैंने इसका करवाया तो ANA वगैरह सब कुछ इसका नेगेटिव आया था। अच्छा, कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है और डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी ना कि ये रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है, तो अमोनियम क्लोराइड लोडिंग टेस्ट होता है। इट इज़ यूज टू कन्फर्म द डायग्नोसिस ऑफ आरटीए। इट इन्वॉल्व एडमिनिस्ट्रिंग अमोनियम क्लोराइड ओरली और इंट्रावीनसली एंड मॉनिटरिंग यूरिनरी पीएच एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इन आरटीए किडनीज विल फेल टू एसिडिफाई द यूरिन इन रिस्पॉन्स टू अल्कली लोड। तो मतलब वो एसिडिफाई नहीं होगा ना
क्योंकि एसिड जो है वो सिक्रीट नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट टिपिकली इन्वॉल्व्स करेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और इम्बैलेंस ट्रीटमेंट ऑफ अल्कली थेरेपी सच एज सोडियम बाइकार्बोनेट कैन हेल्प करेक्ट द एसिड बेस इम्बैलेंस इन आरटीए लीडिंग टू इम्प्रूवमेंट इन सिम्टम्स एंड लेबॉरेटरी अबनॉर्मलिटीज एंड एड्रेसिंग द अंडरलाइंग कॉज। अच्छा, फिर इसमें ये होता है, एक मिनट, अच्छा ये ख़त्म हो गया। इस पेशेंट में जो है ना, ये प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर एसिडोसिस में पोटेशियम इतना कम नहीं होता कि फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाए। ये मैंने कहीं, आप देख लें कि कहीं पे भी नहीं होता है। तो इसको जो है ना, दूसरी चीज़ जिसमें से फ्लैसिड पैरालिसिस बिल्कुल हुई हुई है, इतना पोटेशियम इसका कम था यानी 1.5, तो इसको जो है ना, एक दूसरी भी डायग्नोसिस है हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस की, क्योंकि फिर उस ये कई दफ़ा इसको ये चीज़ हो चुकी थी, ठीक है। और फिर इंट्रावीनस जब हमने इसको पोटेशियम क्लोराइड दिया, रिप्लेस किया, तो फिर ये उसका पावर वगैरह सब 5/5 हो गया था, और ये परसिस्टेंटली जो है ना, फिर इसको ओरल पोटेशियम हमने दिया हुआ है, न्यू के ये खाती है, और सोडामिन की टैबलेट्स। तो हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस टाइप 1 जो है वो क्या होता है, चैनलोपैथी है वो, सबसे कॉमन फॉर्म है टाइप 1। इट इज़ कॉज बाय म्यूटेशन इन द वोल्टेज सेंसिटिव स्केलेटल मसल कैल्शियम चैनल जीन। और जो टाइप 2 होता है वो स्केलेटल मसल में जो सोडियम चैनल की जीन है ना, उनकी म्यूटेशन होती है। तो 10% ऑफ द केसेस आर हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस टाइप 2 अराइजिंग फ्रॉम म्यूटेशन द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जीन्स। इन बोथ फॉर्म्स द म्यूटेशन लीड टू एन एबनॉर्मल गेटिंग पोर करंट दैट प्री डिस्पोज द मसल टू द डीपोलराइज मसल सेल्स टू डीपोलराइज व्हेन पोटेशियम लेवल्स आर लो, ठीक है। तो इसकी जो है वो 3 डायग्नोसिस मैंने बनाई हैं, यानी कि इसको ये चीज़ है, ये कई दफ़ा इसके साथ हो चुका था, और कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस से जो है वो फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाए और पोटेशियम इतना कम हो जाए। तो पीरियोडिक हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2, यानी कि प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है इसको, और दूसरे इसका जो TSH इतना है आ रहा है, और क्रोकी वॉइस और फीबल वॉइस और लो वोल्टेज ब्रैडीकार्डिया ECG में, तो वो इसका हाइपोथायरायडिज्म। तो 3 चीज़ें इसको इस पेशेंट में जो है ना हमें मिली हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है, अच्छा ये मैंने रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस का ना एक पेशेंट मैंने जब मैं रेजिडेंसी कर रही थी तो अराग ऑडिटोरियम में प्रेजेंट भी किया था, तो उसमें मुझे इतना डर लग रहा था, मैंने अपने प्रोफेसर से कहा भाई रीनल मतलब ये नेफ्रोलॉजी का केस आप मुझे प्रेजेंट करवा रहे हैं, SIUT वाले तो मुझे मतलब ये कि खा ही जाएंगे ना, इतने सवाल पूछेंगे और इतना मेरे खाल ही उतार देंगे वो, तो मुझे तब तो बहुत डर लग रहा था। मेरे प्रोफेसर इतने अच्छे ना, वो कहने लगे कि नहीं कुछ नहीं होता, आपको सब तो आपने पढ़ लिया है, इसका क्या पूछ लेंगे ऐसा जो आपको नहीं आएगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा था। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करें कि आप SIUT चली जाएं, ये केस ना उनसे उनसे अमोनियम क्लोराइड लोडिंग टेस्ट के लिए इस पेशेंट को ले जाइए और डिस्कस कीजिए, और कहिए कि मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। इतनी अच्छी तरकीब बताई थी उन्होंने, मैं गई तो SIUT वाले को पहले ही पता था कि हम ये प्रेजेंट कर रहे हैं, तो बिल्कुल खामोश रहे, वरना तो मेरी तो दुर्गति बना देते हो। तो जान बच गई, सर ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया था मुझे। खामोश बैठे रहे सब। किसी ने डराया धमकाया नहीं मुझे, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा सा केस था। अभी भी आज मैंने आज मैं अभी आपके ये केस डिस्कशन से पहले, आप यकीन करें, सुबह संडे भी मेरा इतना मसरूफ इस वजह से गुजरता है, सबसे पहले तो मैं ना राउंड करके आती हूँ, तो ICU में मेरे पेशेंट और एक यंग लड़का, मतलब बेचारा 20 ईयर्स का, 15 दिन की हिस्ट्री उसको फीवर की, 12 दिन की है शायद, और ऐसे ही जाता रहा वो क्लिनिक्स वगैरह में, ना किसी ने उसका टेस्ट नहीं करवाया, और बुखार नहीं उतर रहा था, 104 104 हो जा रहा है।
उसको जो है टाइफॉइड, अभी 2 दिन पहले यानी कि उसका ब्लड कल्चर जब आया तो उसमें सॉल्मोनेला टाइप ही आ गया। और आप यकीन करें कि मैं परसों जब उसको राउंड करके मैं आई थी, बिल्कुल ठीक था उसका एब्डोमेन में कोई पेन नहीं कुछ नहीं ना। 2 दिन पहले तक उसको डायरिया हो रहा था। और जब मैं घर आ गई तो रात में जो डॉक्टर था आरएमओ, उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि इस पेशेंट को एसआईटिस हो रहा है और इसका बिल्कुल टेंस हो रहा है, उसके दर्द हो रहा है, नौजिया हो रहा है। अल्लाह, मैंने कहा क्या हो गया भैया, मुझे यकीन ही नहीं आया कि सुबह तो वो बिल्कुल ठीक था। जब मैं अगली सुबह मैं गई तो कॉलेज से पहले, तो मैंने देखा वाकई उसको एसआईटिस, टेंस एब्डोमेन, इतनी तकलीफ, उसको इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन में चला गया। सोचो इतना। फिर सर्जन को बुलाया मैंने और फिर सर्जन ने जो है वो, ज़ाहिर है इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई थी उसको, तो उन्होंने जो है वो वही कहा कि इसकी लेफ्रोटमी होगी, इलियोस्टमी होगी। अभी मैं देख के आई हूँ, मज़लूम की इलियोस्टमी बनी हुई, अल्लाह। और फिर सारी, मुझे यकीन है कि उसको एंटेरिक ही फीवर की वजह से हुआ होगा, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है सारी चीज़ें उन्होंने की हैं, जीन एक्सपर्ट टेस्ट वो भी भेज दिया, इलियोसिकल जंक्शन उसका बिल्कुल उसमें ऑब्स्ट्रक्शन थी, तो उसकी बायोप्सी, लिम्फ नोड की बायोप्सी सब भेज दिए गए। अल्लाह ना करे लिम्फोमा ना हो, वैसे मुझे यकीन है और मैं दुआ भी मांग रही हूँ कि एंटेरी की फीवर हो सिर्फ और इलियोस्टोमी उसकी बंद हो जाए। तो आप देखें कि मतलब क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, आप सोचें आप। मैं तो उसको देख के मुझे तो अफसोस हो रहा था ना, बस अल्लाह अल्लाह मियाँ बस ठीक कर दे जल्दी से बेचारे को। बहुत बहुत है। आप देखें मतलब आप रोज़ आना, मतलब पेशेंट को देखते हैं और इस तरह चेंजेस हो रही होती हैं, किसी भी वक्त कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए। और यहाँ लोगों को पता ही नहीं है, बस कोई ब्लड कल्चर नहीं भेजता। कितनी ये गलत बात है ना कि पेशेंट को अगर 3 दिन आप देखें सिर्फ पैरासिटामोल दें बुखार के लिए, और फिर 4थे दिन भी अगर बुखार आया जा रहा है, सारे टेस्ट भेजने। सारे टेस्ट कौन से? ब्लड कल्चर, यूरिन डीआर, यूरिन कल्चर, आईसीटी मलेरिया, डेंगी, NS1 और CP, ये सब करा के। और कहें पेशेंट से, मैं इतना समझाती हूँ कि पहले सैंपल दे दो और सैंपल देने के बाद फिर जो भी एंटीबायोटिक आप दे रहे हैं वो स्टार्ट करवाएं। और शुक्र है कि मैं उसका सॉल्मोनेला टाइप ही जो है वो पॉजिटिव आया है और वो सेंसिटिव है मेरोनेम से, जो मैंने पहले से स्टार्ट करवाई थी। लेकिन उसके फीवर स्पाइक्स जा ही नहीं रहते, इसलिए कि अंदर पता नहीं क्या इन्फ्लेमेटरी चेंजेस और ये सब कुछ हो रहा है, कैसे ख़त्म हो गया फीवर। चलें, दुआ है कि वो ठीक हो जाए इंशाल्लाह। तो मतलब ये कि सारी चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए ना, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, क्या क्या हो सकता है। बर बहुत आप सर्जन को दिखा दें, ऑब्स्ट्रक्शन में जा रहा है पेशेंट, तो ठीक है चलें। ऑल राइट, ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।